दोस्तों, ग्रीनलैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आएगी? आप सोचेंगे यह एक ऐसा देश होगा जो अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल हरा भरा होगा, चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली होगी, है ना? कुछ ऐसा ही आपने आइसलैंड के बारे में भी सोचा होगा कि ये देश अपने नाम के अनुसार बर्फ से ढका होगा, लेकिन असल में आइसलैंड में बर्फ कम और हरियाली ज्यादा है। दोस्तों, अगर आपने आइसलैंड पर हमारा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आइसलैंड की तरह ही ग्रीनलैंड भी अपने नाम के अपोजिट है। इस देश के नाम में ही ग्रीन है, लेकिन असल में ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियरों का घर है। चौंक गए ना ये सुनकर? तो चलिए जानते हैं इस आइलैंड देश के बारे में कुछ बहुत ही मजेदार रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। वैसे तो यह देश भौगोलिक दृष्टि से नॉर्थ अमेरिका के काफी करीब है, लेकिन इस देश के लोग कल्चरल दृष्टि से यूरोप के करीब हैं। एक सॉवरेन देश होने के बावजूद ग्रीनलैंड यूरोपीय देश डेनमार्क का उपनिवेश है। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट सेकेंड ग्रीनलैंड की भी क्वीन है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी जनसंख्या महज 56,500 है। पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो यहाँ प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में औसतन 28 लोग रहते हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर नूक है। वही इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीनलैंडिक है। इसके अलावा यहाँ डेनिश और इंग्लिश भी बोली जाती है। बात करें धर्म की तो यहाँ के सभी लोग क्रिश्चियनिटी का पालन करते हैं। ग्रीनलैंड की GDP 3.08 बिलियन डॉलर है, जबकि इस देश के लोगों की औसत प्रति व्यक्ति आय $53,000 है। चूंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का उपनिवेश है, इसलिए इस देश में भी डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोन का मुद्रा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज 25 अक्टूबर 2022 तक एक डेनिश क्रोन भारत के ₹10.98 के बराबर है। दोस्तों, ग्रीनलैंड एक ऐसा नाम है जिससे आपको लगेगा कि यह देश ग्रीनरी यानी हरियाली से भरपूर होगा, इसी वजह से इसका नाम ग्रीनलैंड पड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रीनलैंड का लगभग 85% हिस्सा सिर्फ बर्फ से ही ढका हुआ है। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के 12वें सबसे बड़े देश ग्रीनलैंड का 20,00,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया सिर्फ चट्टान और बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि जगह जगह ग्लेशियर होने के कारण यह देश बहुत ही खूबसूरत दिखता है। दोस्तों, ग्रीनलैंड उन कुछ देशों में से एक है जहां गर्मियों के मौसम में लगातार 2 महीने तक सूरज अस्त नहीं होता है। उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण यहां गर्मी के मौसम में आधी रात को भी सूर्य देखा जा सकता है। वहीं सर्दियों के मौसम में यहां रात का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। इस दौरान आप यहां रात में नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा बोरेलिस का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। दोस्तों, सन 986 ईस्वी में नॉर्वे से निर्वासित अपराधी एरिक द रेड ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। बाद में धीरे धीरे अन्य वाइकिंग्स भी इस जगह पर आकर बसने लगे। यही कारण है कि आज ग्रीनलैंड के ज्यादातर लोगों के पूर्वज आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के रहने वाले थे। दोस्तों, ग्रीनलैंड में ज्यादा मात्रा में बर्फ और ग्लेशियर होने के कारण यहाँ किसी भी तरह का रेलवे सिस्टम मौजूद नहीं है। ग्रीनलैंड के कई शहर तो केवल पानी और हवा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके बीच कोई सड़क या रेलवे नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ लोगों के पास पर्सनल गाड़ियों की संख्या भी महज 3,000 के आसपास ही है। यही कारण है कि यहाँ के लोग ज्यादातर बोट, हेलीकॉप्टर, प्लेन या डॉग स्लेज से ही अपनी यात्रा करते हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड कितना ठंडा देश है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ का औसत तापमान भी -6 डिग्री तक होता है। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में जब सूरज लगातार 2 महीनों तक डूबता नहीं है, तब भी वहाँ का तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, जबकि ठंड के महीने में ग्रीनलैंड का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर ग्रीनलैंड में ही है। बाकी दो बड़े ग्लेशियर अंटार्कटिका में है। इन ग्लेशियर्स को ग्रीनलैंड के बर्फ का चादर भी कहा जाता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रीनलैंड के इस बर्फ की चादर का क्षेत्रफल फ्रांस के कुल क्षेत्रफल से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा यानी लगभग 16,30,000 वर्ग किलोमीटर तक है। इस ग्लेशियर में इतना ज्यादा पानी है कि इसके पिघलने से पूरी दुनिया में समुद्र का जल स्तर 7 मीटर तक बढ़ सकता है।
और अगर ऐसा हो गया तो इससे सारे आइलैंड देश सहित न्यूयॉर्क, मुंबई, साउथहैम्पटन जैसे तटीय शहर डूब जाएंगे। दोस्तों, सन 1946 में अमेरिका ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को 10 करोड़ डॉलर में खरीदना चाहा था, लेकिन डेनमार्क ने अमेरिका को ग्रीनलैंड बेचने से मना कर दिया था। इस द्वीप पर पोलर बियर, रेंडियर, सफेद खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी और एर्मिन जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 350 प्रकार के जंगली फूल भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड में लगभग 225 तरह की मछलियों की प्रजाति पाई जाती है जो इतने ठंडे पानी में भी तैरती है। इतना ही नहीं, यहाँ व्हेल की भी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे बेलुगा व्हेल, हम्पबैक व्हेल, मिंक व्हेल और नरवाल इत्यादि। दोस्तों, ग्रीनलैंड में खनिज का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। यहाँ टंगस्टन, टाइटेनियम, यूरेनियम, निकेल और एल्यूमिनियम जैसे खनिज के बहुत सारे स्रोत मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रीनलैंड घूमने जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि भारत से इस देश के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले डेनमार्क जाना होगा और वहां से आपको ग्रीनलैंड के लिए फ्लाइट मिलेगी। दोस्तों, घूमने के लिहाज से यह बहुत ही महंगा देश है। यहाँ लगभग हर चीज बहुत महंगी है क्योंकि अधिक बर्फ के कारण यहाँ घास तक नहीं उगती, जिस कारण स्थानीय दुकानों में मिलने वाली लगभग हर चीज यहाँ दूसरे देशों से मंगाई जाती है। दोस्तों, ग्रीनलैंड के घूमने वाले जगहों में मुख्य रूप से ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में स्थित कला संग्रहालय, बर्फ की घाटी, सिसिमिट का ऐतिहासिक केंद्र, सेंटा क्लॉज हाउस, ऐतिहासिक नूक कैथेड्रल इत्यादि शामिल है। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड के बारे में बस इतना ही। अगर आपको भी ग्रीनलैंड के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।